हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है रेडमी नोट 9, रेडमी लोगो एंड ऑफ़। तो देखिए, मैं मोबाइल ऑन कर रहा हूँ, देखिए रेडमी लिखा आया, फिर सडनली ऑफ़ हो गया। तो मैं दोबारा पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो देखिए फिर रेडमी शो करके ऑफ हो गया। तो देखिए रेडमी लिखा आया, फिर बंद हो गया। तो इसमें प्रॉब्लम, एक्चुअली ये प्रॉब्लम है, ये ऑलरेडी CPU और EMM से रिकॉल हो चुका है। तो मैंने इस पर चार्जिंग IC चेंज करी, पावर IC रिबॉलिंग कर दी और दोनों नेटवर्क IC रिमूव कर दिए, और फिर जो नेटवर्क IC के बाजू में जो थर्मास्टर है वो भी मैंने रिमूव कर दिया। फिर भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो अभी हम इसका प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होता या नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे जो थर्मास्टर लगा होता है वो भी मैंने रिमूव कर दिया, फिर भी सॉल्व नहीं हुआ प्रॉब्लम। और जो बाजू में ये जो RF IC है ये रिमूव कर दिया, और पीछे साइड में जो PF IC है नेटवर्क की, दोनों IC रिमूव कर दी, फिर भी सॉल्व नहीं हुआ। ये चार्जिंग IC भी मैंने रिप्लेस कर दी, फिर भी सॉल्व नहीं हुआ। और CPU MM से किसी भाई ने रिबॉलिंग किया है, लेकिन मैं उसको छेड़ूंगा नहीं। अभी मैं इसका पावर IC चेंज करके देखूंगा पावर IC से प्रॉब्लम सॉल्व होता या नहीं होता। तो एक बार दिखा दूं आप लोगों को दोबारा ऑन करके। तो देखिए जैसा कि रेडमी लिखा आया, फिर ऑफ हो गया, फिर रेडमी लिखा आया, ऑफ हो गया। देखिए ये दोनों नेटवर्क IC है, RF और PF IC, ये तो मैंने रिमूव कर दी। ये चार्जिंग IC है, चार्जिंग IC रिप्लेस कर दी मैंने, दोनों नेटवर्क IC रिमूव कर दी, और RF IC के बाजू में जो थर्मास्टर है वो भी मैंने रिमूव कर दिया, चार्जिंग IC भी चेंज कर दी, फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो अभी हम इसका क्या करेंगे, अभी हम इसको पावर IC चेंज करेंगे। ये इसकी पावर IC है, अभी हम इसकी पावर IC चेंज करके देखेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व होता या नहीं होता। तो चलिए आप भी वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
इसका जो वर्क था वो तो प्रोसेस हो चुका है, पावर आईसी मैंने चेंज कर ली। वीडियो को थोड़ा इसलिए फास्ट रखा क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना बने। तो अभी हम इसको ऑन करके देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। मोबाइल ऑन करता हूँ, देखते हैं। तो देखिए मोबाइल ऑन हो चुका है। पहले सिर्फ रेडमी दिखा रहा था, रेडमी दिखा कर ऑफ हो रहा था। तो देखिए इसकी पावर आईसी की प्रॉब्लम थी। तो ऐसा है 1.8 की जो लाइन होती है, 1.7 जो लाइन होती है वो आउटपुट में शॉर्ट, अगर कहीं से शॉर्ट है, माइनर शॉर्टिंग भी रही ना, तो इसमें ये प्रॉब्लम आता है। जो जैसा कि बोलते हैं लोग आर एफ आई सी शॉर्ट है, बी एफ आई सी शॉर्ट है, अगर वो आई सी शॉर्ट होती ना तो आपको मोबाइल फुल शॉर्टिंग ही बताता। प्राइमरी लाइन में आपको शॉर्टिंग ही मिल जाती बैटरी कनेक्टर पर। तो अभी देखिए मोबाइल ऑन हो रहा है। तो देखिए मोबाइल कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। एक्चुअली प्रॉब्लम इसका पावर आई सी से ही प्रॉब्लम था, क्योंकि पावर आईसी चेंज करने पर ये मोबाइल फुल ऑन हो गया। आप भी अगर आपके अनरिपेयर मोबाइल्स अगर कुरियर के ज़रिए भेजना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करिए, और आप अपना हमारा जो नंबर है, जो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है, आप अगर गूगल पर सर्च भी कर लेंगे तो आपको हमारा एड्रेस मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में।